हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जानेंगे सैमसंग गैलेक्सी M20 के असिस्टेंट मेनू फीचर्स के बारे में, और असिस्टेंट मेनू के ऑप्शन को हम कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे। एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं वन फंक्शन इन यूज़ लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे असिस्टेंट मेनू को इनेबल करके रखा हुआ है। अगर आपने असिस्टेंट मेनू को इनेबल नहीं किया है तो आप इंट्रैक्शन एंड डेक्सटेरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको देखिए दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है असिस्टेंट मेनू का। आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। ये अभी हमने इनेबल कर दिया है और आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और असिस्टेंट मेनू को इनेबल करने के बाद हम इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ असिस्टेंट मेनू के कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे टॉप में जो रेड माइनस में दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा असिस्टेंट मेनू का सिंबल है, इसमें ये सारे फीचर्स हमारे ऐड हैं। जैसे यहाँ पे रिसेंट, होम, बैक, स्क्रीन ऑफ, वॉल्यूम, स्क्रीन शॉट्स, नोटिफिकेशन पैनल, पिंच जूम, फोन ऑप्शन, कर्सर, स्क्रीन कंट्रोल मेनू, सेटिंग, ब्राइटनेस और स्क्रीन रोटेशन। और यहाँ पे आप सबसे बॉटम में देख सकते हैं मैग्नीफायर विंडो है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे प्लस में दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये हमारे असिस्टेंट मेनू वाले असिस्टेंट मेनू में ये ऑप्शन हमारा ऐड नहीं है। तो इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ड्रैग करके हम इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम नहीं ऐड करना चाहते हैं तो फिर से हम इसे ड्रैग करके यहीं पे फिर से ला के रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें चलना है बैक में और हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन है हमारा असिस्टेंट प्लस का। इसमें हम टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ सेलेक्ट ऐप्स दिख रहे हैं, जिसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये ऐप्स को हम ऑल ऐप्स में इनेबल कर देंगे, जैसे कि कैमरा, कॉन्टैक्ट, ईमेल, गैलरी, मैसेजेस, फ़ोन, सैमसंग इंटरनेट और सेटिंग्स को, तो ये सारे जो ऐप्स हैं इनको हम असिस्टेंट मेनू के असिस्टेंट मेनू के थ्रू हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हम जैसे ही इसको इनेबल कर देंगे तो असिस्टेंट मेनू में इन ऐप्स के अकॉर्डिंग कुछ मतलब कि ऑप्शन आपके आ जाएंगे, कुछ मेनू अलग से इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे आप कैमरा को ओपन करेंगे तो असिस्टेंट मेनू के थ्रू कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। और अगर आप कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, कॉन्टैक्ट वाले ऐप को ओपन करेंगे तो असिस्टेंट मेनू के थ्रू आप उसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें भी कुछ ऐप उसमें भी कुछ फीचर्स इस असिस्टेंट मेनू में ऐड हो जाएंगे अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे ऑल ऐप्स इनेबल हैं, है ना। और इन जो ऑप्शंस मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल मेनू ऑप्शंस फॉर असिस्टेंट मेनू के लिए, ठीक है ना, जो ये ऐप्स हैं उनके लिए। तो फिलहाल हम इसे अभी डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद हम बैक में चलते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन आता है सिंगल टैप टू स्वाइप। यहाँ पे अभी ये इनेबल है, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन अभी इनेबल सिंगल टैप का। अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज़ अ सिंगल टैप इंस्टीड ऑफ ए स्वाइप टू रिस्पॉन्ड टू अलार्म अलर्ट्स एंड इनकमिंग कॉल्स। मतलब अगर हमारा अलार्म अलर्ट्स या इनकमिंग कॉल आएगा तो हम यहाँ पे सिंगल टैप नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना होगा, स्वाइप करना होगा। ओके, और अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो हमें यहाँ पे सिंगल टैप पे हम इनकमिंग कॉल को रिसीव कर सकते हैं। ओके, देन हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी में आप देखिए दोनों साइड में प्लस और माइनस के सिंबल दिख रहे हैं। अगर आप इसे प्लस करते जाएंगे तो आपका ये असिस्टेंट मेनू क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अगर आप इसे माइनस में क्लिक करते जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट मेनू आपका ट्रांसपेरेंसी हट गई है। तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप असिस्टेंट मेनू को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस उसका कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। देन हमारा फिफ्थ ऑप्शन आता है असिस्टेंट मेनू साइज़ का।
तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे स्मॉल साइज़ असिस्टेंट मेनू का हो जाता है, स्मॉल साइज़ आप कर सकते हैं, देन मीडियम साइज़ आप कर सकते हैं असिस्टेंट मेनू, देन लार्ज भी में कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसे मीडियम में रखते हैं। फिर हमारा सिक्स ऑप्शन आता है मोर सेटिंग का। मोर सेटिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टच पैड साइज़, कर्सर साइज, कर्सर स्पीड, जूम का ऑप्शन आता है, मैग्नीफायर साइज, ये सभी क्या होते हैं कि हमारे असिस्टेंट मेनू में ये ऑप्शंस होते हैं। तो आप उन ऑप्शंस को इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं, मीडियम लार्ज में कर सकते हैं, नॉर्मल में कर सकते हैं, फास्ट स्लो जैसा आप चाहें वैसा फास्ट में कर सकते हैं, स्लो में कर सकते हैं, नॉर्मल में कर सकते हैं, कर्सर को, टच पैड साइज को, जूम इन आउट कर सकते हैं, मैग्नीफायर साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं असिस्टेंट मेनू में। अब हम बैक में चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे असिस्टेंट मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनका क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन रिसेंट का। रिसेंट में जैसे ही हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक रिसेंट में जितने भी टैब ओपन किए हैं वो सभी यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन है होम का। होम पे टैप करेंगे तो हम होम ऑप्शन, होम अपने विंडो में चले जाएंगे मोबाइल के। ओके, देन हमारा थर्ड है बैक। बैक करेंगे तो हम असिस्टेंट मेनू के बैक में चले जाएंगे जो सेटिंग में हमने ओपन करके रखा हुआ है। देन हमारा फोर्थ है स्क्रीन ऑफ। हम इसके थ्रू जो हमारा फ़ोन अभी चल रहा है उसका स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हैं। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम म्यूट, वाइब्रेट और साउंड में कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को अपने फ़ोन का। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके, देन हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन नोटिफिकेशन पैनल। हम असिस्टेंट मेनू के थ्रू नोटिफिकेशन पैनल को भी देख सकते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन पैनल हमारे मोबाइल का। देन पिंच जूम कर सकते हैं, फ़ोन ऑप्शन देख सकते हैं। फ़ोन ऑप्शन हमारे ये हैं, पावर ऑफ, रीस्टार्ट और एमरजेंसी मोड ऑफ। देन हम कर्सर भी, कर्सर के थ्रू भी अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्सर आ रहा है असिस्टेंट मेनू ऑप्शन पे, तो हम इसके थ्रू भी अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं कर्सर के थ्रू। ओके, देन स्क्रीन कंट्रोल, स्क्रीन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, टॉप बॉटम में, राइट लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मेनू सेटिंग में जा सकते हैं जो फ़िलहाल पहले से ही हम हैं। देन हमारा ऑप्शन आता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस मोबाइल का कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं हम अपने मोबाइल का। तो इस तरह हमने जाना सैमसंग गैलेक्सी M20 में असिस्टेंट मेनू के ऑप्शन के बारे में, उसे कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जाना हमने। तो अभी फ़िलहाल देखिए हमारे मोबाइल में ये असिस्टेंट मेनू का ऑप्शन इनेबल है, अगर हम चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। ओके, तो फ़िलहाल हम इसे अभी इनेबल कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।